अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय नेम इज़ राना उस्मान एंड वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू थ्रो सम लाइट ऑन किड्स मैथमेटिक्स 4 एक्सरसाइज नंबर 6.3 पेज 106। इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू लर्न टू मेजर कॉन्सेप्ट्स दैट हाउ टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू डेज, ईयर्स इनटू मंथ्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट वीक्स इनटू डेज। Now, two things that we are going to learn in this exercise, कि हम लोगों ने ईयर्स को मंथ्स में किस तरह कन्वर्ट करना है और हम लोगों ने वीक्स को डेज में किस तरह से कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.3 एंड इन दिस एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी विल कन्वर्ट ईयर्स इंटू मंथ्स। So question number 1 part 5 4 years 8 months। तो इस question में अगर हम देखें तो सबसे पहले exercise करवाने से पहले हमने students को थोड़ी rehearsal करवानी है, उनको हम लोगों ने clarify कर देना है कि एक साल में 12 months होते हैं। तो जब भी हमने years को months में convert करना है तो हमने multiply by 12 कर देना है। लाइक अगर 2 years हैं तो 2 multiply by 12 months 24 months आ जाएगा हमारे पास। 3 years हैं तो 3 multiply by 12 months तो 36 months आ जाएगा। तो let's start question। तो 4 years 8 months हमारे पास question है, question number 1 इसका 5th part अगर देखें तो हम क्या करेंगे 4 years को, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया 4 multiply by 12 months कर देंगे, क्योंकि एक हमारे पास ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और ये जो 8 मंथ्स हैं ये एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास मंथ्स में कन्वर्टेड हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 जो हमारे पास 48 मंथ्स और ये हमारे पास 8 मंथ्स, तो 48 प्लस 8 56 मंथ्स ये हमारे पास जो वैल्यू ईयर्स में थी वो मंथ्स में कन्वर्ट हो गई। ये वैल्यू ऑलरेडी मंथ्स में थी, इस वैल्यू को हमने मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। किस तरह से किया, हमने 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो हम जो भी वैल्यू ईयर्स में हमें गिवन होगी हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल कन्वर्ट द ईयर्स इनटू मंथ्स। इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स आप स्टूडेंट्स को सॉल्व करवा देंगे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 इन विच वी आर गोइंग टू कन्वर्ट वीक्स इन टू डेज। तो इसमें भी हम उनको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज दे देंगे कि बेटा एक वीक में क्योंकि 7 डेज होते हैं तो जब भी हम वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जितने हमें वीक्स गिवन होंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। लाइक अगर 2 वीक्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज हमारे पास 14 डेज आ जाएगा। 4 वीक्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज 28 हमारे पास डेज आ जाएगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट 6। तो दे हम देखते हैं कि हम वीक्स को डेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास 4 वीक्स 7 डेज हैं, ये जो 5 डेज हैं ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हम 4 वीक्स को करेंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम जो हमारे पास वीक्स होते हैं उसको डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें पता है एक वीक में क्योंकि 7 डेज हैं तो हम इसको 7 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 5 डेज हैं इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास 4 7 जा 28 डेज और 5 डेज। अब हम इन दोनों डेज को आपस में ऐड अप कर देंगे, 28 डेज और 5 डेज 33 डेज हमारे पास आ गया। अब हमने इस क्वेश्चन में 4 वीक्स और 5 डेज को ऐड अप कर दिया। इसमें आपने एक और कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर देना है कि सेम यूनिट्स हमेशा ऐड अप होते हैं, ये ईयर्स मंथ्स में ऐड नहीं हो सकते। यहाँ पे मंथ्स मंथ्स में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे डेज डेज में ऐड कर रहे हैं हम लोग। आई होप कि इस वीडियो में हम लोगों ने जो ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना सीखा, हम लोगों ने वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना सीखा, यह आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।